السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إلى آخر الحديث، رواه الترمذي. अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेपनाह हम्द व सना, उसकी तारीफ व तौसीफ, उसकी किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी, उस रब्बे ज़ुल जलाल का बे इंतहा शुक्र व एहसान, और मेरे और आपके पैगंबर कायनात के हादी इमाम मुक्तदा रहनुमा व रहबर बेहतर व बरतर साहिब हौज़े कौसर नबियों के अफसर खातमुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अनगिनत वला तादाद दुरूद व सलाम के बाद, रब्बे ज़ुल जलाल की तौफीक और उसके निहायत ही फजल से सरजमीन हिंद के कुरान व सुन्नत के सपूतों की ये 34वीं कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुक्म के मुताबिक कुरान मुकद्दस की सूरह अल-अनआम की 82-82 नंबर की आयत आप हजरात के सामने पढ़ी गई है, और इसी तरह नबी अकरम हादी बरहक अलैहिस्सलाम की हदीस का एक हिस्सा जिसे इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने 2627 नंबर के तहत अपनी सुनन में जमा किया है, आप हजरात के सामने यह हिस्सा पढ़ा गया है। हजरात गिरामी, इससे पहले कि अगली गुफ्तगू हो कि जिसके लिए नहायत ही कम वक्त का मैं पाबंद हूँ, ईमान बिल्लाह ये उस ठोस बुनियादी पुख्ता मजबूत और मुस्तहकम अकीदे का नाम है जो अल्लाह की उलूहियत, रब की रुबूबियत और उसके अस्मा व सिफात के जितने मलके हैं उन सब के साथ रब्बुल आलमीन अल्लाह वहदहु ला शरीक ला अर्श मुअल्ला पर मौजूद है, सबको देख रहा है, सबको सुन रहा है, सबको देख रहा है, सबको दे रहा है, सबसे छीन रहा है, सबको जिंदा कर रहा है,
सबको मार रहा है। इस अकीदे का नाम ईमान बिल्लाह है। और हजरात गिरामी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ और बहनों, इस 33वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में इसकी रौनक पढ़ने वालों, हमारे कलमा को, कलमा शरीफ भाइयों और बहनों, और आज के तवस्सुत से कयामत की सुबह तक हमारी आवाज सुनने वाले लोगों, इस्लामी अकीदा ये इस्लाम का भीत है, इस्लाम की बुनियाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि यहां दो दिन से ये जो इतनी सारी लोगों की भीड़ जमा है, इतने सारे लोग जिस ताजा वलवले के साथ, जज्बे के साथ यहां पर बैठे हुए हैं, ये उम्मत का रोशन जमीर, रोशन दिमाग तक का यहां पर बैठा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि कीड़ा लगा हुआ बीज कभी उग नहीं सकता, कीड़ा लगा हुआ बीज कभी उग नहीं सकता, और जब उग नहीं सकता तो उसके फल देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अकीदे की इस्लाह के लिए ईमान बिल्लाह के लिए सारी कायनात के मुसलमानों के नाम इस तरह की जहां कहीं भी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होती है, बैठक लगती है, हमारी एक दावत फिक्र होती है। और वो दावत फिक्र यह है कि अगर आपकी रगों में इस्लामी गैरत का खून दौड़ रहा है और आपके सीनों में इस्लामी शर्म और हया का दिल धड़क रहा है, तो रब्बुल आलमीन आपको तौफीक दे तो जिंदगी में एक मरतबा कुरान करीम को उसके सही तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ जाएंगे। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.